हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 6 फरवरी 2020 छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर होते हैं इसके अंदर में। और पीडीएफ आप सभी को मालूम है कि भार्गव क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिलेगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप तो जाकर ज्वाइन करिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, यदि अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जो होता है उसको जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि बीसीसीआई के सबसे बड़े घरेलू क्रिकेट छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। तो आपको बताना है कि किस खिलाड़ी ने छत्तीसगढ़ के दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। तो आप यहां पर इस खिलाड़ी का फोटो देख सकते हैं, आपको नाम समझ में आ गया होगा। ये छत्तीसगढ़ टीम के कप्तान है, इनका नाम है हरप्रीत सिंह भाटिया। इन्होंने 200 रन जो है घरेलू क्रिकेट में बनाकर छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो रोशन कर दिया है, ठीक है। नाम क्या है? हरप्रीत सिंह भाटिया। कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया ने बीसीसीआई के सबसे बड़े घरेलू क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। रणजी ट्रॉफी में बतौर छत्तीसगढ़ के कप्तान दोहरे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। भाटिया ने यह कारनामा बुधवार को झारखंड के खिलाफ कर दिया था। आपको याद रखना है कि किसके खिलाफ किया है, तो वो भी टीम मतलब झारखंड के खिलाफ, ठीक है। कप्तान हरप्रीत ने 221 रन बनाए हैं, 402 गेंद और 16 चौके एक छक्का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कितने रन बनाए, 221 रन, किसके खिलाफ, झारखंड के खिलाफ, ठीक है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में दूसरे देशों के लोगों का घुसपैठ हो रहा है जो यहां अशांति फैला रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों के नापाक इरादों को नाकाम करने और इनसे निपटने के लिए एनआईटी रायपुर के छात्रों ने कौन सा ऐप बनाया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी टिक कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐप बनाया है इसके लिए? तो इसके लिए इन्होंने बनाया है ब्रेन ऐप। क्या बनाया है? ब्रेन ऐप, ठीक है। भारत में दूसरे देशों के लोगों का घुसपैठ हो रहा है जो यहां अशांति फैलाते हैं, ऐसे घुसपैठियों के नापाक इरादों को नाकाम करने, इनसे निपटने के लिए एनआईटी रायपुर के छात्रों ने ब्रेन ऐप बनाया है। यह न केवल बॉर्डर को लांग कर आने वाले घुसपैठियों या अन्य लोगों की पहचान करेगा बल्कि उनका हुलिया भी बताएगा। अगर कोई व्यक्ति हथियार आदि लेकर बॉर्डर के अंदर आने का प्रयास करेगा तो यह ऐप तुरंत सूचित करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रागैतिहासिक काल के औजारों और समाधि पुरातात्विक विदों को कहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कहां से इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन यहां पर दिख रहे हैं, तो ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वो होगा जसपुर। तो कहां से प्राप्त हुआ है? जसपुर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहां से प्राप्त हुआ? जसपुर से। ये आप देख सकते हैं, ये फोटो जो है आई थी पेपर में, ठीक। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व का सीमावर्ती जिला जसपुर कई विशेषताओं को अपने में समेटे हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता और प्रचुर वन संपदा से भरपूर जसपुर प्रदेश है। वहीं जिला अपनी प्राचीन कला, सांस्कृतिक, आदिवासी जनजीवन एवं समृद्ध परंपरा के मामले में भी पहचान रखता है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के चलते यह क्षेत्र आदि मानव के रहवास का प्रमुख केंद्र रहा। जसपुर जिले में आदि मानव के मौजूदगी के कई प्रमाण मिले हैं। जिले में प्रागैतिहासिक काल के अवशेष भी जगह जगह मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जसपुर। चौथा प्रश्न है, नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप जो चल रही है उसमें महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो सही आंसर है सविता सिंह। सविता सिंह को तीसरा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। कोरिया जिले के विकास खंड गवा के पोंडी की निवासी सविता सिंह को नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप महिला वर्ग में तीसरा स्थान मिला है। उन्होंने विगत 28 से 30 जनवरी 2020 के बीच चंडीगढ़ में आयोजित खेल स्पर्धा में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पांचवा प्रश्न है, श्री स्वर्गीय श्री चंदूलाल चंद्राकर की कौन सी पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई पहुंचे थे। तो आपको बताना है कौन सी पुण्यतिथि थी। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा 25वीं पुण्य तिथि, ठीक है। ये आप फोटो भी देख सकते हैं नमन करते हुए, ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। तो स्वर्गीय श्री चंदूलाल चंद्राकर की 25वीं पुण्य तिथि के अवसर पर भिलाई तीन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय चंद्राकर का पुण्य स्मरण किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के महान सपूत, प्रखर पत्रकार और पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि 2 फरवरी पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र श्री चंद्राकर ने अपने प्रखर व्यक्तित्व और निर्भीक पत्रकारिता से देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। उन्होंने लोकसभा में सांसद के रूप में तथा कई महत्वपूर्ण पदों का दायित्व संभालते हुए देश और प्रदेश की सेवा की, ठीक है।
छठवां प्रश्न है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता कोष की घोषणा करता हूं, यह कोष से कौन से क्षेत्र के मजदूर के लिए होगा, मतलब यह कोष कौन से क्षेत्र के मजदूरों के लिए होगा। निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता कोष, तो यह होगा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए। उस दिन उन्होंने कंबल वगैरह भी बांटे थे, तो आपने देख सकते हैं पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता कोष की घोषणा करता हूं, यह कोष असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए है। इसमें किसी हादसे में दिव्यांग होने पर, यह याद रखना है आपको, 50,000 रुपए और मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। आपको याद रखना है अगर दिव्यांग हो जाएगा तो 50,000, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, और मृत्यु हो जाने पर 1,00,000 रुपए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि हर गरीब बेटी को 25,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो कितना कर दिया गया है, 25,000 रुपए कर दिया गया है। 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ कन्या विवाह सहायता योजना को वित्तीय वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया था, और उस समय अनुदान राशि कम थी, कितनी थी, 15,000 रुपए थी, जिसको 2019-20 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना छत्तीसगढ़ का लाभ राज्य में बहुत से परिवार ले रहे हैं। राज्य सरकार का इस कन्या विवाह योजना को शुरू करने का उद्देश्य गरीब परिवारों पर अपनी बेटी की शादी के खर्च के बोझ को कम करना है। तो याद रखिएगा 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार आठवां प्रश्न भी है कि दिव्यांगजनों के विवाह हेतु अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 50,000 से बढ़ाकर यहां पर 1,00,000 रुपए जो है वो कर दिया गया है। देखिए, यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले क्या होता था कि जो दिव्यांग जोड़े हुआ करते थे उनको जो है 50,000 रुपए दिया जाता था, ठीक है, और अब जो है दिव्यांग जो जोड़े होते हैं उनको 1,00,000 रुपए जो है वो सहायता राशि जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कितने दिए जाते हैं दिव्यांगजनों को, आप 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। दिव्यांगजनों के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रति जोड़े 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नवा प्रश्न की तरफ चलते हैं, महिला महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। आपको बताना है कि महिला महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। तो ये प्रश्न आपके कमेंट सेक्शन के कमेंट के लिए है। कल के प्रश्न का सही आंसर जो था वो कोंडा गांव था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कहां पर था, तो कोंडा गांव जो था कल के प्रश्न का सही आंसर था, ध्यान रखिएगा। महिला महाविद्यालय कहां खुला गया इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको भार्गव क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में जाना होगा, उसको ज्वाइन करना होगा, वहीं से ही आपको जो है पीडीएफ प्राप्त होगा। देखिए, जो रेगुलर अपडेट रहते हैं टेलीग्राम में उनको करंट अफेयर बुक बाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारी मतलब करंट अफेयर का जो हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को, उसको बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप टेलीग्राम में रेगुलर अपडेट रहते हैं। तो आप आराम से उसको डाउनलोड करिए, चाहे तो आप उसका प्रिंट निकाल कर अपने पास में रख सकते हैं और महीने का करंट अफेयर जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि इतने ढेर सारे प्रश्न हो जाते हैं हर दिन, तकरीबन 8 से 9 प्रश्न जो है वो उसके अंदर में होते हैं, तो आप महीने का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, 30 दिनों का। तो आप उसके, आपको करंट अफेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मंथली करंट अफेयर की, ठीक है, और ना आपको बाय करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक्टिव रहिए टेलीग्राम ग्रुप भार्गव क्लासेस में, तो आपको सारे पीडीएफ वहां पर मिल जाते हैं। जिनको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप टेलीग्राम में अपडेट रहेंगे, तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते, तो वहां पर आपको सबसे पहले जो है वीडियो देखने के लिए भी मिल जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।